हाय गाइस, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट सर्च में। दोस्तों, आज की न्यूज़ गुजरात जॉइंट्स वुमेन वर्सेस यूपी वर्सेस वुमेन के बीच का मुकाबला WPL का, ये आज का तीसरा मैच T20। दोस्तों, WPL पहली बार शुरू हुआ वुमेन टीम के बीच में, तो यहाँ बात करें गुजरात जॉइंट्स वर्सेस यूपी वर्सेस के बीच का मुकाबला। दोस्तों, गुजरात जॉइंट्स ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, तो यह बात करेंगे। दोस्तों मेघाना आज 24 की पारी खेली 15 गेंदों में, वह यहाँ 5 चौके बल्ले से आए थे, 169 बल्ले से 15 गेंदों में 24 रन। इकोले स्टोन की गेंद पे शहरावत ने कैच लपका और यहाँ पे सब ने भी मेघाना को 24 पे अपना विकेट गंवाना पड़ा। सोफिया डुंगले 13 की पारी खेली 11 गेंदों में 2 चौके बल्ले से आए थे, 118 के लिए स्ट्राइक। शर्मा की गेंद पे सोफिया डुंगले ने 13 रन पे आउट किया, शर्मा ने बोल्ड किया डायरेक्ट। उसके बाद बात करेंगे हरलिन ड्योल की, नोट आउट क्रीज मौजूद है, भी 22 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं इस मैच में, 2 चौके के बल्ले से आए हैं, 104.54 इनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों, आज गुजरात जॉइंट्स वुमेन वर्सेस यूपी वर्सेस के बीच का मुकाबला, आज WPL 2023 का ये मैच। 24 पे मेघाना अपना विकेट गवाया, 13 पे डुंगले ने अपना विकेट गवाया, सोफिया ने यहाँ 23 पे बल्लेबाजी करी। हरलिन ड्योल भी इसमें क्रीज पे मौजूद है। दोस्तों, आज का मैच बहुत शानदार हुआ, छक्का अभी तक आए नहीं, 5 चौके आए थे मेघाना के बल्ले से, 2 चौके सोफिया ने लगाए, 2 चौके हरलिन ड्योल के बल्ले से आए थे। सबसे अच्छा परफॉर्म रहा है 24 रन बनाए 15 गेंदों में यहाँ पे। दोस्तों, आया आज का मैच WPL का मुकाबला, अनबेल सुताल है। दोस्तों, 8 रन की पारी खेली 10 गेंदों में, यहाँ 10 गेंदों में 8 रन बनाए थे, 1 चौका बल्ले से आया था। निकोलस स्टोन ने अंजलि सरवानी ने कैच लपका, यहाँ पे अनम मेल को 8 रन पे अपना विकेट गंवाना पड़ा। सुषमा वर्मा के 200 विकेट कीपर यहाँ पे एम ग्रोथ गेंद पे शेरावत ने कैच लपका और सुषमा को मात्र 9 रन पे अपना विकेट गंवाना पड़ा। 13 गेंद में 2 रन बनाए थे और इस मैच में 1 चौका में बल्ले से आया था, 69.23 की स्ट्राइक रेट। दोस्तों, वर्मा 9 पे अपना विकेट गवाया। यहाँ पर बात करेंगे एसलिन घाटन, 20 रन की पारी खेल चुके हैं 15 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का आया था पहला छक्का मैच का। यहाँ करण छिलेडर 7.46 की रन रन है प्रति ओवर, गुजरात जॉइंट्स टीम 7 पे 4 विकेट गिर चुके, यहाँ पे 10 मिले हैं एक्स्ट्रा रन, यहाँ पे 15 हो गए समाप्त। दोस्तों 20 रन की पारी के लिए गार्डन यहाँ पे नोट आउट क्रीज मौजूद है, 20 मैच में 15 गेंदों में 20 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का बल्ले से आए हैं। यहाँ पर 13 गेंदों में 9 रन बना के वर्मा ने अपना विकेट गवाया और यहाँ सुधार। दोस्तों, 8 रन की पारी खेल के अपना विकेट गवाया, 10 गेंद में 8 रन बनाए थे, यहाँ पे 1 चौका बल्ले से आया था। दोस्तों, गुजरात जॉइंट्स का मुकाबला है WPL का T20। दोस्तों, यहाँ पे गुजरात जो ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे अभी 107 रन की पारी खेल चुके हैं 15 ओवर में, करंट रन रेट चल रही 7.46 की, इसलिए जो इसको 150 प्लस हो सकता है आज गुजरात जो का यूपी वॉरियर्स के खिलाफ। यहाँ पे दोस्तों, यूपी वॉरियर्स के बाद बॉलिंग की बात करेंगे अपन, किस तरह परफॉर्म रहा है यूपी वॉरियर्स का, उसके बाद बात करें यूपी वॉरियर्स की बैटिंग का। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से परफॉर्म रहा है गुजरात जॉइंट्स बल्लेबाजी का, कमेंट्री स्कोरबोर्ड के साथ। तो ये बात करेंगे 107 की पारी खेली 4 विकेट नुकसान पे, यहाँ पे अभी डेलना हेमलता सने राणा कैप्टन तनुजा कंवर किम गोद और मानसी जोशी बल्लेबाजी करने आएंगे अभी गुजरात जॉइंट्स की तरफ से। यहाँ 34 पे गिरा पहला विकेट सोफिया का, 14 विकेट 5 गेंद पे, यहाँ पे 38 पे गिरा दूसरा विकेट सुमनी मेघाना का 5 ओवर 30 गेंद पे, 50 तीसरा विकेट अनाबेल सुदालिन का 8 ओवर पहली गेंद पे, 76 चौथा विकेट सुषमा वर्मा का 11 ओवर तीसरी गेंद पे। दोस्तों, ये बात करें बॉलिंग के, राजेश्वर गायकवाड़ 204 डाले, उन्होंने 30 रन देखे, यहाँ पे विकेट कोई मिला नहीं, इनको खाता खुला नहीं, वो 7.50 रन आए थे प्रति ओवर 4 ओवर 30 रन। यहाँ बात करें अंजलि शेरवानी की, 202 डाले उन्होंने 27 रन दिया, यहाँ पे 11.57 की करंट रन रेट। तो यहाँ पे दोस्तों 27 रन दिए यहाँ पे 2 ओवर में, इकोनॉमी रही है 11.57 की। यहाँ पे सुबह डुंगले का पहला विकेट, उसके बाद मेघाना का दूसरा विकेट 38 पे, 50 पे अनावेल सुदालन का, 76 पे सुषमा वर्मा का विकेट गया था यहाँ पे गुजरात जॉइंट्स की तरफ से। यूपी वॉरियर्स का बल्लेबाजी राजेश का एक बार 4 ओवर में 30 रन दिए और यहाँ पे अंजलि शेरवानी ने 227 रन दिए। तो इस तरह से दोस्तों मैच का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा है, इस मैच में कम रहना है, रन का परफॉर्म कम रहा है, 7 की खेली करने रेट 10 की रन में 200 प्लस स्कोर होता है यहाँ पे, 7 की 150 प्लस स्कोर हो सकता है गुजरात जॉइंट्स का इस मैच में। पहले टॉस जीता पेटी का फैसला किया, तो यहाँ पर आदित्य शर्मा दोस्तों यहाँ पे 2 ओवर डाले, 8 रन दे एक विकेट लिया, बहुत शानदार परफॉर्म, 4 की इकोनॉमी, 1 डाली वाइड गेंद। यहाँ बात करेंगे सोफिया, 3 ओवर में 16 रन दिए थे,
दो विकेट छुटका यहाँ इस मैच में बहुत शानदार परफॉर्म रहा है। पर 5/33 की रही इनकी इकोनॉमी। पहला में ग्रोथ 218 देखे, एक विकेट लिया है यहाँ पे। नौ की इकोनॉमी रही इनकी। एक दली वाइट कैन देविका विद्या वैद्य दोस्तों एक ओवर में 6 रन दिए, 6 की इकोनॉमी। विकेट को मिला नहीं अभी तक, उस विकेट मिले थे मैं ग्रोथ को, एक विकेट मिला तो विकेट मिले एफ सोफे को और समय को विकेट आएगी विकेट। इस 10/204 विकेट गिरे थे आज गुजरात जोन्स के। यूपी वॉरियर्स वुमेन टीम की बात करें तो अलेसा हेली यहाँ पे कैप्टन विकेट कीपर है। श्वेता शेरावत, तहिला विक्रोत शर्मा, क्रेस हेरिस, सिमरन शेख, किरण नवेगा, देविका वैद्य, सोफिया लेसेंट, अंजलि सरवनी, राजेश गायकवाड़ यहाँ बल्लेबाजी करने आएंगे। यूपी वॉरियर्स की तरफ से यहाँ पे दोस्तों का मैच WPL 2023 का हाईलाइट इस तरह। दोस्तों वीडियो अच्छा रहा लाइक शेयर कमेंट करें, अभी तक हमारे चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि WPL से जुड़ी हाईलाइट उसको बड़े सारे सामने आती रहेगी। धन्यवाद।